गलत तरह से बचने के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता, अपने परिवार की चिंता किए बिना देश और हम सब जैसे लोगों को और नौजवान पीढ़ी के लिए अपने आप को निछावर किया। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए कम से कम देश की राह पे, देशभक्ति की राह पे और गलत कार्यों से दूर होके चलें, ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपना रतन जो देश पे निछावर किया, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जाके प्रणाम तो कर लें जब भी कभी मौका मिले। और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि हम सब लोग ये इंश्योर करें कि कमल किशोर और कमर किशोर जैसे जितने भी शहीद, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, उन सब के प्रति, उन सब के प्रति, परिवारों के प्रति हम इसी तरीके से अपना जो सम्मान है वो व्यक्त करते रहें। सर भले ही सबसे पहले हमारे बहुत पुराने और अपने मन से उन्होंने सारी जिंदगी एक इस रियासी के लिए दी है, वो है हमारे जोगराज जी मेंगी साहब, जिन्होंने पूरा संघर्ष इस रियासी के लिए मैं बचपन से जानता हूँ और उनका क्या लोगों के प्रति एक संदेश रहा है और उन्होंने अपने आप को पूरा इस रियासी के नाम पर लिखा है। और जिनका आज हम दिन मनाने जा रहे हैं, मैं धन उनकी माता पिता को जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया और वो हमारे इस देश की शान के लिए, आन के लिए उन्होंने अपनी जो शहादत कश्मीर के अंदर दी, ऐसे ऐसे नौजवान और उनकी माता पिता को धन्य हो। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ और उनको तो शांति दें, मगर इनका, इन्होंने जो हौसला रखा वो मैं कहता हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो हमारे नौजवान युवा है, इस देश पे निशावर कर दिया, इस देश की सुरक्षा के लिए निशावर कर दिया, उनसे हमें सभी नौजवानों को, जो भी यूथ है, हमें हमारे अंदर उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें भी अपने देश के लिए किसी ना किसी तरीके से देश के लिए कुछ करना चाहिए। मैं दोबारा से जो शहीद कर्नल किशोर जी हैं उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसे हमारे सामने सरस्वती वंदन रखी गई और अब मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूंगी कि रियासी विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ चलते हुए आप मार्गदर्शन जो भी देना चाहें कि देश के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, आप कृपा करके मंच पे आए और अपने विचार हमारे साथ रखें। और सबसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों से आपने इनका स्वागत करना है।